अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं लियाकत अली और आप देख रहे हैं लिया ऑनलाइन यूट्यूब टेक चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं तो आपके एंड्राइड मोबाइल में इन 6 ऐप्स का इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। वो कौन सी ऐप हैं और उनका क्या क्या काम है, चले मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, ओपन कैमरा ऐप, ये बहुत ही कमाल की ऐप है क्योंकि इसका कमाल का फीचर ये है कि ये एक्सटर्नल मैक यानी तार वाले मैक को ये ऐप जो है सपोर्ट करती है, इसलिए ये कमाल की ऐप है। क्योंकि बाज़ अवक़ात आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे होते हैं तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती ओरिजिनल कैमरा ऐप पे, तो आपको एक्सटर्नल मैक यूज़ करना पड़ता है, यानी कि तार वाला मैक यूज़ करना पड़ता है। तो ये कमाल की जो ऐप है ये तार वाले मैक को सपोर्ट करती है। इसमें तार ऑडियो सोर्सेज में जाकर आप इसकी जो ऑडियो सोर्सेज है वो एक्सटर्नल मैक में तब्दील कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ऐप है। सो फ्रेंड, दूसरे नंबर पर आती है डीजू रिकॉर्डर बहुत ही कमाल की ऐप है क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप है और इसमें वीडियो एडिटिंग भी होती है। अगर आपका टेक चैनल है, आप टेक्निकल वीडियो बनाते हैं तो आपको बाज़ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए ये जो डीयू रिकॉर्डर ऐप है इससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है। ये बहुत ही कमाल की ऐप है, ये पोर्ट्रेट में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती है और लैंडस्केप में, ये इसका फीचर, ये कमाल की ऐप है। और इसका जो फीचर, जिसके जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर, ये काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो करती है। सो फ्रेंड, तीसरे नंबर पर बहुत ही कमाल की ऐप है जिसका नाम है पिक्सलैब। इसलिए कमाल की ऐप है क्योंकि इसमें 3D लोगो हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए तैयार कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम यूट्यूब चैनल की वीडियोस के लिए थंबनेल भी इसी पिक्सलैब में बना सकते हैं। बहुत ही कमाल की है। तकरीबन ये हर यूट्यूबर जो यूट्यूब यूज़ करते हैं, जिनका यूट्यूब चैनल है, वो तकरीबन हर किसी के एंड्रॉयड मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल है। इसका इसमें लोगो या इसमें थंबनेल बनाने का क्या तरीकाकार है, वो उसकी लिंक जो है, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से इसमें लोगो और थंबनेल बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चौथे नंबर पे आती है पिक्स आर्ट। से कोई भी नावाकिफ नहीं है, जो भी यूट्यूब या यूट्यूब चैनल यूज़ करता है तो वो पिक्स आर्ट से नावाकिफ नहीं है। बहुत ही परफेक्ट ऐप है क्योंकि ये फ़ोटो एडिटिंग भी इसमें होती है। फ़ोटो एडिटिंग के साथ साथ काफ़ी लोग जो प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं वो अपने यूट्यूब वीडियोस के जो थंबनेल हैं वो भी पिक्स आर्ट में बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोफेशनल टाइप की फ़ोटो एडिटिंग और प्रोफेशनल टाइप के जो वीडियोस के थंबनेल हैं वो भी इसी पिक्स आर्ट में बन रहे हैं। तकरीबन हर यूट्यूबर के मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल होती है पिक्स आर्ट। बहुत ही कमाल की ऐप है। इसमें थंबनेल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, इसका सारा का सारा तरीकाकार मैंने एक वीडियो बनाई है मेरे चैनल पे, आप विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं और उसकी जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि पिक्स आर्ट पे थंबनेल किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। बहुत ही आसानी से क्रिएट होते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पाँचवें नंबर पर आती है काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग ऐप। ये तो सब यूट्यूबर इसे जानते हैं और ये बहुत ही अहमियत की हामिल है ख़ास तौर पे यूट्यूबर के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे बग़ैर वीडियो एडिट किए हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो वो एक नामुनासिब होगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं, फ़नी वीडियो बनाते हैं या टेक के हमारे चैनल है, किसी टॉपिक पे भी हम वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए जो है एडिटिंग बहुत ही लाजमी होती है। ये काइन मास्टर बहुत ही कमाल की वीडियो एडिटिंग है, इसमें प्रोफेशनल टाइप की हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें क्रोमा की का भी जो फीचर है वो भी मौजूद होता है, उसमें भी हम अपने वीडियो का जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की, तकरीबन हर यूट्यूबर के मोबाइल में ये काइन मास्टर जो है, ये वीडियो एडिटिंग ऐप है, वो इंस्टॉल है। वीडियो एडिटिंग का तरीकाकार इसमें इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, छठे और आखिरी नंबर पे आती है वाई टी स्टूडियो। बहुत ही कमाल की ऐप है। अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं तो आपके मोबाइल में वाई टी स्टूडियो का इंस्टॉल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वाई टी स्टूडियो में आप अपने चैनल का वॉच टाइम, व्यूज़, सब्सक्राइबर और वीडियो का जो एनालिटिक्स है वो देख सकते हैं कि आपको आज के दिन में कितने व्यू मिले या आपको लास्ट 28 दिन में कितने आपके सब्सक्राइबर हुए या कितना आपका वॉच टाइम हुआ। तमाम तरह जो आपके यूट्यूब चैनल की तफसीलात होती हैं वो वाई टी स्टूडियो में होती हैं, क्योंकि यहाँ से आप अपने वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो भी देख सकते हैं और उसके साथ साथ आप कमेंट का रिप्लाई भी यहीं से दे सकते हैं। इसलिए तकरीबन हर यूट्यूबर के मोबाइल में वाई टी स्टूडियो की जो ऐप है वो इंस्टॉल होती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मालूमाती वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकान को दबाएं ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो से आप ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। अगली वीडियो तक के लिए अपने दोस्त लियाकत अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।